हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपना सिंपल एंड इजी कुकिंग। आज हम बनाएंगे जिसे देखते ही मुंह में पानी छूट जाए ऐसी पॉपुलर सिंधी डिश दाल पकवान। ये डिश इतनी टेम्पटिंग और टेस्टी बनती है कि आप इसे ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर में भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम पकवान के लिए आटा गूंद लेंगे। इसके लिए एक बाउल में 2 कप मैदा लिया है। अब इसमें आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे, आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा, आधा छोटा चम्मच नमक डालेंगे। अब 2 चम्मच घी डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप घी की बजाय बटर भी ले सकते हैं। मैदे में घी का प्रमाण सही से है कि नहीं ये चेक करने के लिए आप आटे को इस तरह से दबाकर इसके बॉल्स बनाकर देखिए। अगर इसके बॉल्स सही से बन रहे हैं, यानी कि घी का प्रमाण सही से है। अगर आटा अभी भी खुला खुला है तो आप इसमें आवश्यकता अनुसार और थोड़ा घी डाल सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका मीडियम सख्त आटा गूंद लेंगे। आप देख सकते हैं हमने पकवान के लिए आटा गूंद लिया है। अब तेल का हाथ लेकर आटे को फिर से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से मसलते हुए गूंदेंगे। अब गूंदे हुए आटे को प्लास्टिक से रैप करके 15 मिनट के लिए सेट होने देंगे, या आप इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में भी पैक करके रख सकते हैं। पकवान के लिए आटा सेट हो रहा है, तब तक हम दाल बनाएंगे। दाल के लिए मैंने 1/2 कप चना दाल को लगभग 3 से 4 घंटों के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। अच्छी तरह से भीगने के बाद ये फूल कर लगभग 1 कप हो गई है। हम दाल कुकर में ही बनाने वाले हैं, इसलिए पानी निकाल कर चना दाल को प्रेशर कुकर में डालेंगे। अब इसमें 2 बाउल भर के पानी डालेंगे। कभी भी दाल के हिसाब से ही इसमें दुगना पानी डलता है। अब 1/2 छोटा चम्मच हल्दी डालेंगे। अब 2 हरी मिर्चियों को बीच में से चीरा लगाकर इसमें डालेंगे। अब हल्का सा मिक्स करेंगे। अब कुकर का ढक्कन लगाकर इसे 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पर या 2 से 3 सीटी होने तक पकाएंगे। लगभग 3 सीटी देने के बाद आप देख सकते हैं दाल अच्छी तरह से सॉफ्ट पक चुकी है और दानेदार भी दिखाई दे रही है। दाल गलनी नहीं चाहिए, इसलिए हम इसे मिक्स नहीं करेंगे। अब हम तड़का बनाएंगे। सबसे पहले मीडियम आंच पर गरम किए हुए पैन में 1 चम्मच घी डालेंगे। आप घी की बजाय बटर भी डाल सकते हैं। घी गरम होने के बाद 1/4 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, 2 से 3 बारीक हरी कटी मिर्च, 1 छोटे साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डालकर सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट होने तक भूनेंगे। लगभग 3 से 4 मिनट तक हमने प्याज को मीडियम आँच पर पका लिया है। अब 1 छोटा चम्मच पीसा हुआ अदरक डालेंगे और इसे भी 30 सेकंड के लिए मीडियम आंच पर प्याज के साथ भूनेंगे। प्याज और अदरक से कच्चापन निकल गया है। अब इसमें 1/4 छोटा चम्मच हींग डालेंगे, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया जीरा पाउडर डालेंगे, गहरा रंग दिलाने के लिए 1 छोटा चम्मच कश्मीरी चिली पाउडर डालेंगे, खटास के लिए 1/2 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच साबुत सौंफ। अब 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। अब सारे सूखे मसालों को हम सिर्फ 10 से 15 सेकंड के लिए मीडियम आंच पर भूनेंगे। अरोमेटिक होममेड गरम मसाले की रेसिपी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की है, आप उसे चेक कर सकते हैं। मसाले भूनने के बाद इसमें से बहुत अच्छी खुशबू छूटने लगी है। अब हम इसमें 1 बड़े साइज के टमाटर को बारीक काट कर डालेंगे। अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। टमाटर जल्दी से पक जाए इसलिए हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच नमक डालकर इन्हें अच्छी तरह से मसलते हुए मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं बस कुछ ही मिनटों में टमाटर अच्छी तरह से पककर गल चुके हैं और इसमें से तेल भी छूटने लगा है, यानी कि सारे मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच फ्रेश कटी हुई बारीक धनिया पत्ती डालेंगे और मिक्स करेंगे। दाल के लिए तड़के वाला मसाला रेडी है। अब हम इस मसाले को दाल में डालेंगे। अब दाल को मसाले के साथ हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। अब पैन में दाल डालकर इसमें बचा हुआ मसाला भी निकाल लेंगे। अब टेस्ट करके इसमें ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब अच्छी तरह से इसे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। अब दाल को उबाल आने तक सिर्फ 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पर पकाएंगे, जिससे सारे मसाले दाल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे और ये दाल बहुत ही एरोमेटिक बनेगी। दाल को उबाल आ गया है। अब हम गैस की फ्लेम बंद करके इसे धनिया पत्ती से गार्निश करेंगे। पकवान के लिए एरोमेटिक दाल रेडी है। अब हम इसे ढक कर रखेंगे।
पकवान बनाने के लिए आटा सेट हो गया है। अब हम इसके ऊपर की रैपिंग निकाल लेंगे। अब आटे को अच्छी तरह से मसलते हुए मिक्स करेंगे। अब आटे को अच्छी तरह से गूंदने के बाद इसे एक पाइप का शेप देंगे। अब इन्हें इस तरह से सेम साइज में काट लेंगे। अब इनकी पूरियां बनाने के लिए लोइयां बनाएंगे। अब इसकी पूरियां बेलेंगे। हमें इनकी पूरियां बहुत ज़्यादा पतली या बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बेलनी है। इन्हें बेलने के लिए हम आटे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर आटा लगाकर बेलेंगे तो तलते समय तेल में आटा उतर जाएगा और तेल भी ख़राब होने लगेगा। पूरी को बेलने के बाद अब एक फोर्क से पूरी को इस तरह से होल करेंगे जिससे ये तलते समय फूलेगी नहीं। आप देख सकते हैं हमने इस तरह से पूरी में होल्स बनाए हैं। अब हम इन्हें तलेंगे। यहाँ पे मीडियम आंच पर एक कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया था। अब तेल का टेम्परेचर चेक करने के लिए इसमें आटे का छोटा सा बॉल डालकर देखेंगे। अगर ये जल्दी से ऊपर आ गया तो आप समझ जाइए कि पकवान तलने के लिए तेल का टेम्परेचर सही से गर्म है। अब बेली हुई पूरी तेल में डालेंगे। अब इन्हें दोनों तरफ से हल्का सुनहरा रंग होने तक मीडियम आंच पर तलेंगे। आप देख सकते हैं 2-3 बार पलटते हुए तलने के बाद पूरियों का रंग सुनहरा हो गया है और ये क्रिस्पी भी बनी है। अब हम इन्हें एक पेपर टॉवल पर निकाल लेंगे जिससे इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा। पकवान रेडी है। आप इन्हें 8 से 10 दिनों के लिए एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। माउथ वाटरिंग दाल पकवान सर्व करने के लिए रेडी है। आप अपनी इच्छा अनुसार इसे हरी तीखी चटनी, इमली की खट्टी मीठी चटनी, प्याज, टमाटर, बारीक सेव, अनारदाना और फ्रेश बारीक कटी हुई धनिया पत्ती से गार्निश करके सर्व कर सकते हैं। आपको भी ये टेस्टी दाल पकवान की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।